التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك يا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سطيع हेलो हेलो हाँ बोलो सर डेविड वापस आ गया है किसी भी हालत में उसे वहां से जाने मत देना ओके सर मुझसे झूठ बोला कि तू एक प्रॉपर्टी डीलर है भाग गया से दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे इतनी जल्दी दूसरी जगह कैसे ढूंढूंगा मेरे को 2 महीने का नोटिस चाहिए तुझे पता है एक CID वाला आया था तेरी इंक्वायरी करने के लिए कल CBI वाले आ जाएंगे मुझे ये लफड़ा नहीं चाहिए CID ऑफिसर तू अंधे होने की अच्छी एक्टिंग करता है ना तुझे अवार्ड देना था सर देखिए वो भाग रहे सर वहां से वो बिना बताए नहीं मर सकता कौन था वो कौन था वो कौन था सत्या छोड़ दो मुझे शिवा सत्या को क्या हुआ जब तुमने उसकी हालत के बारे में बताया तो मैं बहुत डर गई अपने अंकल को तो नहीं बताया ना उन्हें बताती तो वो तो मर ही जाते अब हौसला रखिए जो भी करना पड़े सत्या को इस प्रॉब्लम से मैं निकालूंगा आइए सत्या बता कौन है तू क्या नाम है तेरा बाबा ये सत्या की माँ है मुझे क्यों मारा कौन है वो किसने मारा आपकी बेटी के निकाह से पहले क्या उसके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ था नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं हुआ रहीम नाम के किसी आदमी को वो जानती थी वो किसी रहीम को नहीं जानती थी वो आपसे कुछ नहीं छुपाती थी अगर जानती तो मुझे अपने पापा को जरूर बताती किसने मारा कोई बात नहीं मैं सब संभालूंगा आसमान के सितारों से रूहानी ताकत के एक असर से तुझे जलाकर राख कर देंगे अपनी पहचान बता कौन है तू और इस अनजान शरीर पे कब्जा करके क्यों बैठ गया है उसका क्या दोष है ये कैसा इंसाफ है इसे जानता हूँ उसे
तू सत्या को जानता है? मैं जानता हूँ। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रहा है। जब इससे पहले भी सत्या की ऐसी ही हालत हुई थी, मैं इसे साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर गया था। उसने हमें स्कूल से लेकर कॉलेज के सारे फ्रेंड्स और टीचर्स के नाम बताए। उनमें रहीम नाम का कोई नहीं था। सत्या का रहीम से किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है। सत्या तुझे नहीं जानती ना? वो जानती है। बता कब मिली थी सत्या तुझे? कब से तू जानता है उसे? सच सच बता नहीं तो चला दूंगा। वो नहीं जानती, पर मैं उसे जानता हूँ। ऊपर वाला भी जानता है। तुझे हुक्म देता हूँ, छोड़ दे ये शरीर। अपन का मकसद पूरा होने से पहले कोई अपन को मजबूर नहीं कर सकता। इसको बोलो खूनी को ढूंढने को। उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तुझे कैसे निकालना मुझे अच्छी तरह मालूम। सुनो, पढ़ना शुरू करो। आसमान के सितारों से, धरती के किनारों से। नीचे आ जा। ऐ शैतान मर्दूद, मैं कहता हूँ नीचे आ जा। उतर नीचे, आसमान के सितारों से, धरती के किनारों से, बहती हवा से, रूहानी ताकत के एक असर से हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। नीचे आ जा शैतान। आसमान के सितारों से, धरती के किनारों से, रूहानी ताकत के एक असर से चलकर राख हो जा। या अल्लाह, रहम कर, रहम अल्लाह, रहम। शिवा, थोड़े समय के लिए उस रूह को हमने सत्या से अलग कर दिया है। रहीम फिर से तुम्हारी बीवी को वश न कर सके, इसका जिम्मा अब तुम पर है। क्या रहीम झूठ बोल रहा था या वाकई वो सत्या को जानता है? अब यही बात इस केस को सुलझाएगी। पिछले 6 महीनों में ये आदमी कभी यहाँ आया था? ये तो पहले वाला वॉचमैन ही बता सकता है। मैं तो पिछले हफ्ते ही आया हूँ सर। सॉरी सर, ये तो पिछले महीने ही रिटायर हुआ। रिकॉर्ड्स में उसका एड्रेस होगा? इसकी बेटी गंगानगर में रहती है, शायद ये भी उसके साथ ही रहता है, पर एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता। थैंक यू। इसे देखकर कुछ याद आया? जो पता है सब उगल दे। बताता हूँ। बताती हूँ सर। मम्मी जी, सत्या की तबीयत कैसी है? अभी थोड़ा रिलैक्स्ड है, खाना भी खाया, सबसे बात कर रही है। अभी तक उसके पापा को कुछ नहीं बताया, वो सुनेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे ना। ग्रेट, अभी क्या कर रही है वो? फादर डॉटर टेबल टेनिस खेल रहे। इस केस को किसी ठोस अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू करनी होगी जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। उस चोर को ढूंढना था जो चोरी का सामान रहीम के पास छोड़कर भागा था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस चोरी के सामान के पीछे रहीम की मौत का राज छुपा था? मन में कई उलझने थी, कई सवाल, और ऐसे समय मेरी मदद करने वाला एक ही था, और वो था दिलबर। सुराग का एक सिरा मिलने के बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक ऐसे शख्स का नाम आया जो इस केस से बहुत गहरा ताल्लुक रखता था। सबसे बड़ी बात, इस मिस्टीरियस शख्स के बारे में सिर्फ एक ही इंसान जानता था, सत्या की बेस्ट फ्रेंड अंजलि। छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के बाद मेरे सामने इस केस की एक बड़ी तस्वीर उभर कर आने लगी। इस कहानी में कौन कौन किरदार थे और उनकी क्या भूमिकाएं हो सकती थी, अब समझ आने लगा। शिवा का फोन है। हेलो। हाय सत्या, व्हाट्स हैपनिंग? तुम हमको लेने कब आएगा? बहुत जल्दी मेरा काम पूरा हो जाएगा, केस सॉल्व होते ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आई एम वेटिंग फॉर यू। हां, दिन रात मेरे जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये रहीम कौन है और सत्या के साथ उसका क्या कनेक्शन है। मैंने सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। उसके सभी बिखरे हुए क्लूज एक साथ जुड़ने के बाद अब एक कंक्लूजन पर पहुंचने वाले थे। रहीम की मौत के साथ सत्या का क्या कनेक्शन था? दुनिया के सामने इसका सच आने वाला था। नहीं, नहीं। लेकिन यही सच है। रहीम के केस का
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सत्या से कोई कनेक्शन है। अल्लाह, अगले 24 घंटों के अंदर मैं इस दुनिया के सामने रहीम के कातिल का पर्दाफाश करूंगा। लेकिन ये होगा कैसे? सबसे पहले सत्या को इंटरोगेट करूंगा। मैं उस आत्मा को मजबूर करूंगा कि वो सत्या की बॉडी को वश में कर ले, और फिर मैं सत्या से सच निकलवाऊंगा। ऐसा करके तुम कयामत को बुला रहे हो। बिना रूह की ताकत जाने तुम उसके साथ खिलवाड़ मत करो। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो अपने साथ अपनी बीवी को भी खो दोगे। जिंदगी में पहली बार किसी रूह ने मेरी काबिलियत पर सवाल खड़ा किया है। शिवा शिवा किसी से कभी हार नहीं मानता। या अल्लाह, इसकी हिफाजत कर। हेलो, हाँ बोलो। सच में दामाद जी? दुनिया का सबसे बड़ा खुशी दिया है तुम। मैं नाना बनेगा। सत्या ऊपर है। अभी आयो? इतना लेट आया? ले बीवी का मुंह मीठा करा। हाय। अरे थोड़ा आराम से बात को समझो। चाहिए इतना लेट? प्लीज 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 खा लो, खा लो। जी जी, मेरे को खुशखबरी मिली। मैंने सोचा आम का अचार बना लेती हूँ बहू के लिए। मैंने कच्ची केरी मंगवाई, उसको काटा, उसमें नमक हल्दी लगाई, तब तक मैंने देखा कि ये आ गया। इतनी देर का था? मॉम, मुझे केस के लिए वापस जाना होगा। अब अपना काम वाम भूल जा, बहू की सेवा कर, उसके साथ रह, उसको घुमाने ले जा। अरे मॉम, मैं एक CID ऑफिस वो मैं एक CID ऑफिसर हूँ। ये बात आपसे छुपाई उसके लिए सॉरी। इसमें सारी बोलने वाला कौन सा बात है? मेरा दामाद CID है, सुन के प्राउड फील हुआ। थैंक यू वेरी मच। पापा, और कितनी लंबी पूजा करेंगे? आपको याद है ना, आज सुबह 9 बजे हमें पुलिस राइफल्स क्लब पहुंचना है। पुलिस एक ही सवाल घुमा फिरा के पूछती है और परेशान करती है। मुझ सीधे साधे भक्त को मुजरिम बनाना चाहते हैं। आप वहाँ अकेले नहीं होंगे पापा, और लोगों को भी बुलाया है। रहीम के पेरेंट्स भी होंगे वहाँ पर। अगर आप नहीं गए तो पुलिस यहाँ आ जाएगी।